साथियों, भारत में नया करने की, नए आइडिया से समस्याओं के समाधान की ललक हमेशा रही है। ये हमने अपनी आईटी रिवॉल्यूशन के दौर में भली भांति अनुभव किया है, लेकिन दुर्भाग्य से जितना प्रोत्साहन, जितना समर्थन उस दौर में हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं। आवश्यकता इस बात की थी कि आईटी रिवॉल्यूशन से बने माहौल को चैनलाइज किया जाता, एक डायरेक्शन दिया जाता, लेकिन नहीं हो पाया। हमने देखा कि पूरा एक दशक बड़े बड़े घोटालों में, पॉलिसी पैरालिसिस में, नेपोटिज्म में इस देश के एक पीढ़ी के सपनों को तबाह कर गया। हमारे युवाओं के पास आइडिया थे, इनोवेशन के लिए ललक भी थी, लेकिन सब पहले की सरकारों की नीतियों में और एक प्रकार से नीतियों के अभाव में उलझ कर रह गए। साथियों, 2014 के बाद हमने युवाओं में आइडिया की इस ताकत को, इनोवेशन की स्पिरिट को फिर से रिवाइव किया। हमने भारत के युवाओं के सामर्थ्य पर विश्वास किया। हमने आइडिया टू इनोवेशन टू इंडस्ट्री, इसका एक पूरा रोडमैप तैयार किया और तीन बातों पर फोकस किया। पहला, आइडिया इनोवेट, इंक्यूबेट और इंडस्ट्री, इनसे जुड़ी संस्थाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। दूसरा, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण। और तीसरा, इनोवेशन के लिए माइंडसेट में परिवर्तन, नए इकोसिस्टम का निर्माण। साथियों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग फ्रंट पर एक साथ काम करना शुरू किया। इसी में से एक था हैकाथॉन। 7-8 साल पहले जब देश में हैकाथॉन होने शुरू हुए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्टार्टअप के लिए मजबूत बुनियाद बनाने का काम करेंगे, एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार करेंगे। हमने देश के युवाओं को चैलेंज दिया, युवाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और सॉल्यूशन देकर दिखाया। देश के लाखों युवाओं को इन हैकाथॉन्स में पर्पस ऑफ लाइफ मिला, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ी। इससे उनमें ही विश्वास जगा कि जिन रोजमर्रा की समस्याओं से देश जूझ रहा है उसे वो दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस भावना ने स्टार्टअप के लिए एक तरह से लॉन्च पैड का काम किया। सिर्फ सरकार के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही, आपको जानकर, आप में से शायद कुछ लोग उसमें जुड़े होंगे मेरे जो सामने बैठे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ही बीते सालों में लगभग 15 लाख ऐसे टैलेंटेड युवा साथी उसके साथ जुड़े हैं। मुझे याद है कि ऐसे ही हैकाथॉन्स में, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, नई नई चीजें समझने को मिलती थी, जानने को मिलती थी, तो मैं दो दो दिन तक युवाओं के इस हैकाथॉन की गतिविधि को बारीकी से नजर रखता था, देखता था। रात को 12-12 बजे, एक एक दो दो बजे उनके साथ गप्पे गोष्ठी करता था, उनके जुनून को देखता था, वो क्या करते हैं, कैसे जूझते हैं, अपनी सफलता पर कितने खुश होते हैं, ये सारी बातें मैं देखता था, मैं फील करता था। और मुझे खुशी है
कि आज भी देश के किसी ना किसी हिस्से में हर रोज कोई ना कोई एक हैकेथॉन चल रहा है, हो रहा है। यानी स्टार्टअप्स के निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया पर देश निरंतर काम कर रहा है।